ये मेरे लिए गर्व का बात है। प्रशांत सिंह, प्रशांत जी के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मेरी जनता मेरे को इतना प्यार करती है। एक साधारण परिवार का हूँ और वैश्य बना फिर वहीं आ रहा हूँ जमीन पर। मेरे को कोई ऑफर नहीं, ये पहला ऑफर था। जी जी, पहला ऑफर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। देखिए, आपको मालूम है कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 तारीख को आएंगे नतीजे। लेकिन इससे पहले, अब से कुछ देर पहले, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, बता दिया है कि आखिर प्रशांत किशोर का पहलवान कौन होने जा रहा है। देखिए, बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने सिर्फ और सिर्फ तरारी को लेकर ही घोषणा की है, बता दिया है कि आखिर तरारी में प्रशांत किशोर का लड़ाकू कौन होगा। बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया है एसके सिंह पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एसके सिंह है कौन, जिनके नाम के ऐलान ने सभी को टेंशन दे दी है। नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, तमाम खेमों में टेंशन है। कौन है एसके सिंह? हमने भी अभी अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रशांत किशोर के लड़ाके एसके सिंह से। क्या कुछ बता रहे हैं एसके सिंह? बड़ा दावा कर रहे हैं लाइव सिटीज के कैमरे पर, क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले आप उनको सुनिए। बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहिएगा? ये मेरे लिए गर्व का बात है। प्रशांत सिंह, प्रशांत जी के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार तरारी की जनता को हूँ, जो जिन्होंने उनको बताया कि अगर कोई एक आदमी को आप लाना चाहते हैं, एसके सिंह है। उन्होंने आकर यही मेरे को कहा। ऐसे मेरी जनता मेरे को इतना प्यार करती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम जाएं उनके साथ में और उनका, उनके विश्वास को नहीं तोड़े। तो इसीलिए हमने चैलेंज लिया। थोड़ा सा लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने इतना तो बताया जितना मेरे पास है। एक साधारण परिवार का हूँ और वैश्य बना फिर वहीं आ रहा हूँ जमीन पर। तो जन स्वराज ही क्यों प्रशांत किशोर? नहीं नहीं, जन स्वराज नहीं, प्रशांत जी ने हमारे को मौका दिया। हाँ। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद। अच्छा। हाँ, और कुछ हम पार्टी देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह चाहते थे कि आप बीजेपी में आ जाएं और आरा से। मेरे को कोई ऑफर नहीं, ये पहला ऑफर था। जी जी, पहला ऑफर। बीजेपी पसंद है आपको? ऐसा है कि सब पार्टियां अगर अच्छा काम करें तो कोई बात नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि हम देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए काम कर सके। लेकिन आपको मालूम है कि तरारी की जंग जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आप पर दो बार से माले का झंडा ले रहा है। सिपाही लड़ाई में जाता है जी, तो ये नहीं सोचता कि जंग जीत ही जाएगा। हाँ। उसको तो कोशिश करनी है ना जी। तो हम अपनी कोशिश पूरा करेंगे। हाँ। और बाकी ऊपर वाले क्या कीजिएगा तरारी की जनता के लिए? जो हम करते आए हैं हमेशा, जो भी वो काम के लिए आते हैं हम उनके साथ जाते हैं। क्यों तरारी की जनता ने मेरा नाम रिकमेंड किया जी, वही करते रहेंगे। कितने मतों से जीतेगा तरारी? अब ये नहीं पता मेरे को। फिर भी मेरे को तो ना तो संख्या पता है ना कुछ पता है। मैं सिर्फ सेवा करने आया हूँ और बाकी मेरी पार्टी मैनेज करेगी। तो सुना आपने, क्या कुछ बताया है एसके सिंह ने? बड़ा दावा कर दिया है, बता दिया है कि आखिर 13 तारीख को तरारी में क्या होने जा रहा है और 23 तारीख को क्या कुछ होगा, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। देखिए, यहाँ पर चर्चा साल 2014 की भी हुई थी। क्या कुछ बताया है एसके सिंह ने आपने सुना है? तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।